बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। कंटेंट रिच और शानदार पिक्चर हुई है। हम 2018 की उस दुनिया में रहते हैं जहाँ नेटफ्लिक्स और गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखना आपका स्टैंडर्ड तय करता है। हम विचारों में मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने पेरेंट्स की एक्टिव सेक्स लाइफ के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप सेक्स से रिलेटेड कोई भी उनसे बात कर सकते हैं? नहीं ना। हमें मान के चलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने जब हमें पैदा कर दिया है उसके बाद उनकी जिंदगी घर की जिम्मेदारियों तक सीमित है। लेकिन डायरेक्टर अमित शर्मा ने इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हुए बधाइयों से एक ऐसी कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, आप कॉलेज के बाद नौकरी करने जाते हैं, खूबसूरत सी सुंदर सी गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ आप शादी के सपने देखते हैं, पापा की रिटायरमेंट होने वाली है, लेकिन इसी बीच आपको खबर मिलती है कि आपकी 50 साल की मम्मी प्रेग्नेंट है। मम्मी प्रेग्नेंट है मेरी। मम्मी मतलब तेरी मम्मी? नहीं तो क्या, तेरी मम्मी। जिस वक्त घर में नन्ना मेहमान लाने की उम्र आपकी है, उस वक्त आपके अधेड़ उम्र के माँ बाप खुशखबरी दे रहे हैं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? कुछ ऐसी अटपटी कहानी है बधाई हो की जो आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं कि फिल्म देखने आप क्यों जाएं। कहानी है एक मिडिल क्लास दिल्ली बेस्ड कौशिक परिवार की। घर के मुखिया जितेंद्र कौशिक यानी गजराज राव रेलवे में टीटी है। उनके परिवार में उनकी पत्नी यानी नीना गुप्ता, दो बच्चे नकुल यानी आयुष्मान खुराना जो नौकरी पेशा है, साथ ही छोटा बेटा गुलर जो फिलहाल बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त है। इनके साथ रहती है इनकी खूसड़ बुड्ढी दादी। आयुष्मान खुराना की गर्लफ्रेंड है सानिया मल्होत्रा और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कौशिक परिवार एकदम स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिस्टर कौशिक मिसेस कौशिक के साथ कुछ ऐसा कारनामा कर देते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से उनकी उम्र में शोभा नहीं देता। यानी मिसेस कौशिक प्रेग्नेंट हो जाती है, और जैसे ही ये प्रेगनेंसी की न्यूज पूरे घर को पता चलती है तो बवाल मच जाता है, यानी धमाका हो जाता है। अरे फिर से हो गया। और फिर इस अटपटी गुड न्यूज के चलते पूरे कौशिक परिवार को समाज और रिश्तेदारों के बीच अजीबो गरीबो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौशिक साहब, शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हैं। लेकिन कौशिक परिवार इस अटपटी गुड न्यूज से कैसे निपटेगा? साथ ही आयुष्मान खुराना की नाराजगी कम होगी या फिर आयुष्मान खुराना भाई के भाई बनेंगे या फिर बहन के भाई, ये देखने के लिए तो आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा। डायरेक्टर अमित शर्मा ने प्रूफ कर दिया कि कंटेंट इज एवरीथिंग। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग डिलीवरी इतनी जबरदस्त है कि पूरे फिल्म थिएटर में मुझे सिर्फ ठहाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। आप जब फिल्म देखने जाए तो फर्स्ट हाफ में बिल्कुल टिककर बैठेगा, क्योंकि आप हंस हंस कर इतने लोटपोट होकर नीचे गिर सकते हैं, कई जगह इतने हिलेरियस मोमेंट आने वाले हैं। क्या हुआ? तू ही बता यार, ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज है क्या? सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन तब भी आप उसको झेल सकते हैं। यानी फिल्म पूरी पूरी एंटरटेनिंग है। सबसे पहले तो नू जानना है मुझे, टाइम कब मिल गया तुझे? इस फिल्म को शाबाशी इस बात में देनी चाहिए कि फिल्म का एक एक कैरेक्टर अपने किरदार में पूरी तरह से रमा हुआ नजर आया है। बात करें तो फिल्म के असली हीरो हीरोइन तो गजराज राव और नीना गुप्ता है। गजराज राव के एक्सप्रेशन नीना गुप्ता ने बड़ी सहजता के साथ अपना किरदार निभाया है। आयुष्मान खुराना ने प्रूफ कर दिया है कि वर्सेटिलिटी के मामले में वो किसी से कम नहीं है। लेकिन फिल्म की शो स्टॉपर है दादी यानी सुरेखा सिकरी। भाई साहब, उनके डायलॉग और अंदाज ने तो सबका दिल जीत लिया है। सब समझ आ रही, क्यों बहू का बदन टूटा करे है रोज सुबह। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना एंटरटेनिंग और रिलेटेबल है कि पूरी फिल्म में जान डाल देता है। साथ ही फिल्म का म्यूजिक भी आपको काफी अच्छा लगेगा। अब क्या होगा रे प्यारे, खुशियां ही जब तक मारे। ये पहली बार हुआ है जब बॉलीवुड में ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनी है। फिल्म पूरी तरह से एंटरटेनिंग और पैसा वसूल है, यानी हर एज ग्रुप को ये फिल्म पसंद आने वाली है। साथ ही कॉमेडी के मामले में, एंटरटेनमेंट के मामले में, डायलॉग डिलीवरी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, हर लिहाज से ये फिल्म परफेक्ट है। फिल्म की यूएसपी यही है कि इतने अटपटे टॉपिक को बड़े हल्के फुल्के अंदाज से आपको परोसा गया है, जिसके बाद डायरेक्टर के लिए दिल से निकलता है बधाई हो। क्या बॉलीवुड की घिसी पिटी लव स्टोरी से बोर हो गए हैं, या फिर वही लव स्टोरी, वही फैमिली ड्रामा सुन सुनकर आपके कान पक गए हैं?
तो बधाई हो, आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है ये वीकेंड। तो जाइए अपने पूरे परिवार के साथ, कौशिक परिवार को जरा बधाइयां देके आइए। रुकिए हमें कमेंट सेक्शन में जरा बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा, साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बधाइयां भी दे दीजिए।